गुड मॉर्निंग गाइस, ये है पेंगोंग लेक और ये है स्पांगमिंग विलेज स्पांगमिंग एंड वेलकम बैक टू वन एसएमएस गाइस चैनल। आज जो होम स्टे या तो जो लॉज या तो जो होटल है मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ वो ये है। एक्चुअली यहाँ पे अभी नाम वाम कुछ नहीं लिखा हुआ है मैं आप लोगों को नाम बता देता हूँ। इसका नाम है गार्डन होम स्टे या गार्डन आप लोग होटल भी बोल सकते हो। अंदर जाके आप लोगों को दिखाऊंगा, पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ पार्किंग। देखिए लोकेशन बता देता हूँ, ये देखिए ये जो मेन रोड है वो मेन रोड के जो लेक है लेक के उस पार नहीं, लेक के राइट हैंड साइड में है। आपको यहाँ से ऊपर आना पड़ेगा, ये जियो का टावर है, वो जियो का टावर इस तरफ से आपको ऊपर आना पड़ेगा और यहाँ से ऐसे आके यहाँ पे आपको आ सकते हो। और यहाँ पे आप लोग अपना गाड़ी या तो बाइक कहीं पर भी पार्क कर सकते हो। पार्किंग के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस है, कोई टेंशन नहीं है। ये इसका एंट्रेंस है, एंट्रेंस पर चलते अंदर चलोगे ऐसा पूरा कॉरिडोर बना हुआ है। सबसे पहले तो आप लोगों को डाइनिंग हॉल ही दिखा देता हूँ। देखिए ये डाइनिंग हॉल काफ़ी बड़ा है, हाँ न्यूली बिल्ट है इसीलिए नाम वाम लिखा नहीं है, अदरवाइज़ ये सब है। पूरा टेबल वेबल सब कुछ लगा हुआ है, टेबल चेयर। और खाने का क्या है, भैया बना के रख देते हैं और यहाँ से आप लोग खुद बुफे खाना है निकाल के खा सकते हो, अपने टाइम से कभी भी खा सकते हो, कोई टेंशन नहीं। भैया खाना बना के यहाँ पे लगा के चले जाते हैं। दौरजी भैया मिलाता हूँ, आपका नाम क्या था मैं भूल गया। दौरजी खाली दौरजी सेवंग जी। सेवंग दौरजी छव, यही है वो भैया जो इस पूरे आपका होमस्टे का नाम क्या जी, इसका नाम क्या है? गार्डन हाउस का मालिक है, यही देख रहे हैं। और भैया हमें कल रात को उस रास्ते पे मेन रोड पे जहाँ से हनले जाते हैं हम लोग वहाँ पे रुके हुए थे, हम लोग गेस्ट हाउस ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, तो भैया हमारे पास खुद आया और बोला कि चलो मेरे वहाँ पे मैं अच्छा रीजनेबल रेट्स लगा दूँगा खाने के साथ। और एक टाइम के बाद हम लोग सोचा कि दूसरी जगह कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, भैया के पास है ही तो आ ही जाते हैं। और लेक भी यहाँ से सुंदर व्यू है और लेक नीचे जाएंगे है ही नहीं। अब अंदर जाओगे, ऐसे पांच रूम्स है टोटल, 101, 102, 103, यहाँ पे एक्स्ट्रा मैट्रेस वगैरह रखते हैं, 104, आपको जो साफ़ वाला रूम है वो दिखा देता हूँ, ये है 105, तो डबल बेड है और टेबल चेयर लगाया हुआ है, कारपेटेड है। मैं जूता पहन के आ गया, ये गलती कर दिया मैंने। और यहाँ पे लोग मतलब भैया ने चप्पल दे के रखा है तो आप लोगों को जूता उता घुसाने की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑल कारपेटेड है। और जैसे कि दो बंदे यहाँ पे सोए हैं तो आप लोग अलग से मैट्रेस लगा के भी सो सकते हो, मतलब तीन बंदा भी इस रूम पे एडजस्ट हो सकते हो, या तो आप ऊपर से सो सकते हो या तो आप नीचे मैट्रेस लगा के सो सकते हो। बाथरूम कुछ इस तरह का है, हाँ किसी का घड़ी फॉसिल का घड़ी छूट गया था, हाँ ये हो गया दीपांगर का होगा, लेके जाऊंगा मैं। तो ये बाथरूम ऐसा है, हाँ एक इशू है, बाथरूम में गर्म पानी आपको नहीं मिलेगा, ऊपर जो आपका सोलर से गर्म पानी होता है दिन में ही होता है तो दिन में मिल जाएगा, रात को स्टोरेज में कभी कभी निकलता है कभी कभी नहीं निकलता है। अभी आप लोगों को मैं रेट्स बताऊँगा और यहाँ का इलेक्ट्रिसिटी का इशू है, मेजर इशू है, मैं बताऊँगा। एक चीज़ दिखा देते हैं आप लोगों को, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फूड विल नॉट बी सर्व्ड इन रूम्स। ब्रेकफास्ट का टाइम है 8 से 10 बजे तक, हालांकि भैया ब्रेकफास्ट बना के चले जाते हैं और आप कभी भी खा सकते हो। लंच टाइम है 1 से 2 PM, ये भैया को बोलना पड़ेगा कि आप लोग लंच खाओगे, नहीं तो भैया नहीं बनाएंगे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्या होता है कि लोग बाहर चले जाते हैं लंच वंच करने के लिए। डिनर टाइम है 7:30 to 9:30 PM दिया हुआ है, मगर आप लोग कभी भी खा सकते हो, मतलब बना के रेडी करके भैया चले जाते हैं क्योंकि भैया नीचे रहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी विल बी स्विच्ड ऑफ एट 10:30 PM एग्जैक्टली। सो देखिए यहाँ पे पूरा दिन भर करंट नहीं रहता है, पूरा दिन भर करंट अगर रहता है तो शाम के 7 बजे से रात के 10:30 आप लोगों ने देखा। ये हम लोग लास्ट 100 डेजर्ट में रुके हुए थे, वहाँ पर भी वो इशू था और यहाँ पर भी ये इशू है, मगर मतलब ये इशू है यहाँ पे। एंड आपको इंटरनेट वाईफाई कुछ नहीं मिलेगा, अगर आप लोगों के पास जियो का सिम है, पर जियो का सिम ऐसे कभी काम करता है कभी नहीं करता है और
अगर आप एक मैसेज अभी दे देते हो तो 1 घंटे के अंदर वो डिलीवर हो जाता है, कुछ इस तरह का सीन है। अभी मैं प्राइसेस के बारे में बताऊंगा और आपको डॉजी भैया से मिलाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये एक बहुत ही पेट फ्रेंडली होटल है, तो होम स्टे है, जो भैया बिल्कुल अलाउ करते हैं, कोई टेंशन नहीं। डॉजी भैया चले गए शायद, देखता हूँ। हाँ डॉजी भैया है, डॉजी भैया का नंबर वंबर सब दे दिया है, कोई टेंशन नहीं है। और डॉजी भैया को हमने अभी पेमेंट भी कर दिया। डॉजी भैया खुद अकेले पूरा काम यहाँ पे संभालता है, तो थोड़ा सा कभी कभी आप लोग बहुत ज़्यादा लोग आ जाते हो तो कभी भैया अकेला काम करता है तो आप लोगों को देखना पड़ेगा कि कुछ लेट भी हो सकता है, तो इसलिए बुरा मत मानिए क्योंकि वो अकेले हैंडल करता है ये चीज़। और इस पूरे स्पांगमिंग विलेज में मतलब आपको मैं नीचे तो देखा नहीं, आपको कैंप साइज भी है वो तो मुझे पता नहीं, पर ये हम लोग हमें यहाँ पे रह के अच्छा लगा और हमें पर पर्सन हमें 700 रुपये का पड़ा। और डिपेंड करता है मतलब आप लोग कितने दिन के लिए रुकोगे, हम लोग ज़्यादा दिन के लिए रुके हुए थे तो इसलिए हमें कम पड़ा, और अगर आप लोग ज़्यादा दिन के लिए रुकोगे तो कम पड़ेगा, नहीं तो पर दिन का हिसाब कुछ अलग है, मतलब 1000 रुपये खाना मिला के, डिनर एंड ब्रेकफास्ट मिला के, है कि नहीं रजी भैया? जी सर, जी सर। और रोजी भैया का नंबर देखिए, यहाँ पे नंबर वंबर काम नहीं करेगा, तो दूर से एक बार मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। नाम क्या था? गार्डन हाउस। ये लॉज है या होटल या होम स्टे क्या है? होम स्टे है ये तो ये होम स्टे है, पूरा खाना वाना अच्छी तरह मिलेगा आपको, कोई टेंशन नहीं। दौड़जी भैया ना बहुत ही मस्त आदमी है सही में, आज सुबह अकेले आके पूरा सबके लिए पूरी बनाया, ऑब्वियसली ये उनका काम है। और दौड़जी भैया का एक खासियत ये है कि वो देखिए कैसे बेला को मतलब केयर ले रही है, कल भी पूछा था इसके ये क्या खाएगी, अभी मेरे को पूछे कि इसके लिए अंडा बॉयल कर दूँ। तो मैं हाईली रेकमेंड करूंगा जो लोग अपना पेट वेट लेके आते हैं डॉजी भैया के यहाँ पे आने के लिए, बिल्कुल ऊपर है और बहुत ही अच्छी तरह पूरा व्यू दिखाई देता है यहाँ से, तो समझिए ना क्या बोलते हैं डॉजी भैया, शर्माने का नहीं है, बिंदास। दैट्स इट गाइस, आज का वीडियो आप लोगों ने देखा कैसा लगा, मैंने होमस्टे का वीडियो बना दिया। जब भी आप लोग पेंगोंग लेक आते हो, स्पांगमिक विलेज में रुकते हो, तो दौड़जी भैया के यहाँ पे आ सकते हो, अलग ही प्रॉपर्टी है, सेपरेटली है, गाड़ी पार्किंग वार्किंग का कोई इशू नहीं, खाली यहाँ लाइट का तो इशू है, लाइट का हर जगह पे है, यहाँ पे आगे जहाँ पे भी जाते रहेंगे लाइट का इशू हर जगह है। बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय अहोम।